एंड वेलकम बैक टू द चैनल. अ वेरी गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छी मॉर्निंग है और होपफुली आज बारिश नहीं होने वाली है. और मॉर्निंग में इन फ्लावर्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. मोस्टली सारे प्लांट्स लगा दिए थे बट मिट्टी ख़त्म हो गई है, इसलिए कुछ एक प्लांट्स रह गए हैं लगाने. इसलिए हम सोच रहे हैं वॉलमार्ट से छोटा वाला पैक लेके आए, क्योंकि अगर बड़ा वाला पैक लाएंगे और पूरा यूज़ नहीं होगा तो उसको रखेंगे कहाँ, और बाहर रखेंगे तो बारिश में भीग जाएगी. इसलिए छोटा वाला पैक लाएंगे और इन सारे प्लांट्स को भी लगा देंगे. बहुत अच्छे लगते हैं. और होम डिपो जाके इतने फ्लावर्स देख के ना मन तो कर रहा था कि सब उठा लो. अगर आप बहुत पहले से मेरा ब्लॉग देखते हो तो हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल कोट्स आता था, बट लास्ट फ्यू डेज से वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक बोर्ड था जिस पे मैं मोटिवेशन कोट लिखती थी वो केविश ने ख़राब कर दिया. तो इस बारी मैं जब सुपर स्टोर गई थी तो मुझे ये मैग्नेटिक बोर्ड मिला. थोड़ा बड़ा सा भी है, बहुत अच्छा लगता है. अगर आप अपना मॉर्निंग किसी पॉजिटिव कोट मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हो तो दिन हमेशा अच्छा ही जाता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में फील गुड करते हो तो पूरे दिन फील गुड ही करते हो. सो बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट बिकॉज यू चोज टू फोकस ऑन द परफेक्ट मोमेंट. सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो है हम उसके साथ ही परफेक्शन ला सकते हैं अपने लाइफ में और खुश रह सकते हैं. और मैं पॉजिटिव कोट्स मोस्टली इस वाले पेज से लेती हूँ, पावर ऑफ पॉजिटिविटी. ये फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है. इसके कोट्स बहुत अच्छे होते हैं. ये वार्म वाटर में मैंने थोड़ा सा हनी मिलाया है, लेमन मिलाया है और 1 स्पून ऑफ चिया सीड. चिया सीड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और एक बहुत ही अच्छा हेल्दी चॉइस है, जिसको खाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, हेल्दी प्रोटीन होता है, फाइबर होता है. सो फुल पैक ऑफ एनर्जी. और अगर आप मॉर्निंग में लेते हो इसको किसी भी फॉर्म में तो आपको ये बहुत देर तक फुल रखता है. और ये बहुत अच्छा है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो. आप स्मूदीज में मिला सकते हो, पुडिंग बना सकते हो, बच्चों के लिए कुछ भी आप बना रहे हो, पैनकेक बना रहे हो, योगर्ट में फ्रूट मिक्स करके उसमें थोड़ा सा चिया सीड डाल सकते हो. और अगर आप एवरीडे रोटी पराठा खाते हो तो अपने आटे में मिक्स करके फिर आटा गूंथ सकते हो. आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ उसमें ऐड किया भी. और जो भी रोटी पराठा आप बना रहे हो उस आटे से वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा. बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, थोड़ा सा नटी सा स्वाद होता है इसका, जो कि अच्छा लगता है. ये पनीर रात को ही ग्रेट करके रख दिया था मैंने. सैंडविच बनाने वाली हूँ लंच बॉक्स और अनुज के ब्रेकफास्ट के लिए. सुबह सुबह ठंड लगती है और फिर काम करते करते ना गर्मी लगने लगती है. इसमें मैंने जिंजर ग्रेट करके डाल दिया है, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पेपर. इसका पनीर पराठा भी बना सकते हो.
और ब्रेड में मैं आज यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक लोफ, 21 होल ग्रेन्स एंड सीड्स। थोड़ा सा ऑयल या बटर से ब्रश कर देंगे ब्रेड को, और ये अनुज का है इसलिए मिर्ची डाल रही हूँ। ये स्टील का स्नैक्स बॉक्स मैंने अमेजोन से लिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब उनको बहुत सारे ऑप्शंस तो स्नैक्स बॉक्स में, और केयूष मोस्टली ये फिनिश करके आता है स्कूल से। ये केयूष का लंच बॉक्स रेडी है, येशा का और ये अनुज का। डैडीज लंच बॉक्स। बाय साई राम। अच्छे से बोलो केयूष। किस साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। हे गाइस, 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 माय लकी डे टुडे। गाइस, 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 गाइस। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। पहले से प्लान दो, इट्स डिफरेंट। लेट मी आस्क दीदी हाउ इट इज। इट टेस्ट लाइक एप्पल स्मूदी एंड बनाना। हाँ, एप्पल और बनाना मिक्स करके दिया है मैंने। जनरली येशा को एवरीडे बनाना शेक देती हूँ ब्रेकफास्ट में, बट आज एप्पल बनाना और चिया सीड मिल्क डाल के स्मूदी बना के दी है। बहुत ही हेल्दी है और उसको अच्छा भी लग रहा है, सो दैट्स परफेक्ट। ऑल सेट, पहले येशा को ड्रॉप करेंगे, फिर केयूष का भी आज प्री स्कूल है और इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। हाँ, सब अपने टीचर का नाम बता रहे हैं, और इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँ ताकि सारे काम आराम से हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझसे काम नहीं होता। अगर कभी लेट हो जाता है ना मॉर्निंग में तो सब मेसी हो जाता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि 6 o'clock तक उठ जाऊँ। और ये मॉर्निंग वाला वॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर वेदर ठीक हो, लाइक धूप में ना भी हो तो चलेगा, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। घर आके सबसे पहला काम चाय चढ़ा दी है, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग से आई नो आप लोगों का घर भी बिल्कुल फैल जाता होगा, जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही टाइम मिलता है क्लीनिंग करने का। जिस भी दिन केयूष स्कूल जाता है मैं ट्राई करती हूँ कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा घर के सारे काम ख़त्म कर दूँ ताकि उसके आने के बाद मैं फ्री हो जाऊँ। और सबसे पहले खाली करूँगी डिश वॉशर,
क्योंकि जब तक डिश वॉशर एम्प्टी नहीं होगा तब तक डर्टी डिशेज उसमें डाल नहीं पाऊंगी, और सिंक एरिया जब क्लीन हो जाता है ना तो किचन अपने आप क्लीन लगने लगता है। और आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डिश वॉशर यूज करने का मेरा एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं जब कैनेडा आई थी मैं भी वही सोचती थी कि इंडियन कुकिंग में इतना तेल होता है, इतने मसाले होते हैं, कैसे जाएंगे वो दाग। और मैं आई थिंक दो साल तक मैं हाथ से ही वॉश करती थी और मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया डिश वॉशर। अनुज हमेशा बोलते थे मुझे यूज़ करने के लिए बट मैंने कभी भी नहीं किया। बट केयूष के होने के बाद इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो एक दिन अनुज ने बोला ओके मुझे ट्राई करने दो। उन्होंने चलाया और जब मॉर्निंग में मैंने डिशेस देखे सब कुछ बिल्कुल क्लीन था। लाइक बड़े वाले जो पॉट्स एंड पैन होते हैं जिसमें हम अपना मसाला भूनते हैं उसके लिए कभी कभी जगह पूरी नहीं पड़ती है डिश वॉशर में, तो वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। बट ये सारे जो डिनर प्लेट्स हो गए, इवन जो पैन्स होते हैं, इस तरह के जो पैन हम यूज करते हैं, ये भी मैं डिश वॉशर में डालती हूँ। बस हमें ये चेक कर लेना होता है कि वो यूटेंसिल डिश वॉशर सेफ होना चाहिए, क्योंकि जो मैं कास्ट आयरन का पैन यूज करती हूँ, वॉक यूज करती हूँ, जो आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि वो डिश वॉशर सेफ नहीं है। तो अगर कोई चीज डिश वॉशर सेफ नहीं और आप उसको डिश वॉशर में डाल रहे हो तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो जब से मैंने डिश वॉशर यूज करना स्टार्ट किया, लाइक होल डे मैं गंदे बर्तन उसमें डालती रहती हूँ और रात को सोने से पहले उसको चला देती हूँ और मॉर्निंग में फिर एम्प्टी कर देती हूँ ताकि दिन भर मैं अपने सारे गंदे बर्तन उसमें डाल सकूँ, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है और बर्तन भी अच्छे से क्लीन होते हैं। इनफैक्ट स्टील के बर्तन तो क्या शाइन करते हैं। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं चाय में आलमंड क्यों यूज करती हूँ, बादाम। अगर आप मेरे ब्लॉग्स पहले से देख रहे हो फिर तो आपको रीजन पता होगा, बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले वेलकम टू फैमिली। और ये आलमंड डालना अनुज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो और अगर आपको मसाले वाली चाय अच्छी लगती है तो कभी डाल के देखना ये कॉम्बिनेशन, अदरक, इलायची, काली मिर्च, आलमंड, बादाम और या बस उसको कूट के और फिर बॉइल्ड वाटर में डाल के और फिर चाय बनाना। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ट्राई भी किया और मुझे बताया कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा, तो अगर आप भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। किचन क्लीन हो गया है, सिंक के सारे बर्तन चले गए हैं डिश वॉशर में, लिविंग रूम भी क्लीन हो गया है, सारे डर्टी क्लोथ्स चले गए हैं लॉन्ड्री में, और यहाँ पे मेरी ब्रेकफास्ट भी रेडी है। और ये ब्रेकफास्ट वाला टाइम मैं पूरा एंजॉय करती हूँ, स्पेशली जब केयूष नहीं होता है, थोड़े 5-10 मिनट ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स पे। आप क्या करते हो अपने ब्रेकफास्ट करते टाइम? आई नो बहुत लोगों का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको मेरे ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं डोसा खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ और आपका ब्लॉग देख रही हूँ, इतने अच्छे से लिखा था उन्होंने कि मैं पूरा वो सिनेरियो विजुलाइज कर सकती थी, और डोसा तो मेरा फेवरेट है तो अभी मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। बहुत हो गया आराम, अब चलिए थोड़ा काम करते हैं, लंच की तैयारी कर लेती हूँ। कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ आज लंच में, हमारे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अनुज का मोस्ट फेवरेट पंजाबी डिश आप बोल सकते हो। कड़ी ऐसी चीज़ है जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक जगह पे अलग तरह से बनाई जाती है, लाइक गुजरात में अलग तरह से बनती है, पंजाब में डिफरेंट बनता है, और बिहार का भी मैंने खाया हुआ है, वहाँ मेरे नेबर्स बनाते थे, हमारे घर पे नहीं बनता था, हमारे नेबर्स बनाते थे तो वहाँ का खाया हुआ है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है।
और मैंने फर्स्ट मील लाइक प्रॉपर मील जो अनुज के लिए बनाया था वो था कढ़ी पकौड़ा. लाइक प्रॉपर मैंने रेसिपी देखी, इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाया, शॉप पे गई, उसको बाय करके लाई और फिर बनाया था. और परफेक्ट कढ़ी बनाने के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक तो वो बेसन और दही का जो प्रॉपर मेजरमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडली कि कढ़ी को बहुत देर तक करने के लिए छोड़ देना चाहिए. लाइक गैस को सिम पे करो और काइंड ऑफ भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कढ़ी जितनी ज़्यादा कढ़ेगी उतनी स्वाद बनेगी. यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप दही. अगर आपको खट्टी दही मिलती है तो सबसे बेस्ट है. और बेसन हम डालेंगे जस्ट 5 स्पून. सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और खूब सारा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लंप नहीं रहे. और आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ये वाला घोल रेडी कर सकते हो. और फिर इसमें डालेंगे काफ़ी सारा पानी, लाइक जितना दही है उसका डबल आपको पानी डालना है. और अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिला दो, बिल्कुल खट्टा वाला स्वाद आ जाता है, क्योंकि कढ़ी खट्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता. तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे मेथी सीड्स, जिंजर गार्लिक और अनियन. और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला जाए. इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए. और जब तक इसमें पहला बॉयल नहीं आ जाता अच्छे से तब तक इसको हिलाते रहना होता है, नहीं तो दही के फटने का चांस होता है. और कढ़ी में डालने के लिए मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े. ये बेसन में धनिया पाउडर, सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर और अजवाइन डाला है. तब ऐड किया है पालक. पहले पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे. और पकौड़े मैं ये अप्पम पैन में बना रही हूँ, हेल्दी वर्जन हो जाएगा. थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दूंगी इसमें. अगर आपको पकौड़े सॉफ्ट अच्छे लगते हैं तो जब कढ़ी बॉयल हो रही है उसी टाइम पकौड़े डाल दो. और अगर क्रंची अच्छा लगता है तो जस्ट सर्व करने से पहले डालो. सबसे लास्ट में बनाएंगे ये वाला तड़का बिल्कुल सर्व करने से पहले. ये घी में डालेंगे कोरिएंडर सीड, क्यूमिन सीड, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो गैस बंद करेंगे और फिर डालेंगे रेड चिली पाउडर. मैंने नहा लिया है, ऑलमोस्ट क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया है. अनुज गए उसको पिक करने के लिए, और जब वो आता है ना तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है. आ गया. मम्मी, I told you walking. It was home. Oh, I was home. Yeah. I was waiting for you. Yeah. How was your day? क्या किया? I ate food. क्या फूड खाया? स्ट्रॉबेरी क्रेप स्पेशल. आज कीयूष मम्मा के हाथ से खा रहा है. ओह, बोल रहा है नहीं खाना है आज. ओले बापे, ओले बापे, ओले बापे. मम्मा के हाथ से खाएगा, पकौड़ा खाएगा. पकौड़ा खाना है कीयूष को, बोल रहा है पकौड़ा. कड़ी चावल. हम जब भी इंडिया जाते हैं ना तो चंडीगढ़ में भाभी कड़ी चावल जरूर बनाते हैं अनुज के लिए, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना इसलिए. और कड़ी ना हमेशा ठंडे होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, तो जब भी आपको कंसिस्टेंसी आप अपना
जितना भी कंसिस्टेंसी आपको अच्छा लगता है ना, उससे थोड़ा सा पतला ही रखो, क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होगा वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा. पकौड़ा था ना. पकौड़ा खाना है इसको. मुझे पकौड़ा दिखा के बोल रहे. अभी क्योंकि बाहर प्ले कर रहा है, थोड़ी देर में जाएंगे यशा को पिक करने के लिए. वेदर सच में बहुत अच्छा है, बट मैं नहीं बोलूंगी कि वेदर अच्छा है. आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि सुची तुम्हारी नज़र लग जाती है वेदर को, तो हाँ मैं नहीं बोलूंगी कि वेदर अच्छा है, बट वेदर अच्छा है यार, कैसे नहीं बोलूँ. तो होप आप लोगों ने आज का मॉर्निंग रूटीन एंजॉय किया होगा, तो थम्स अप ज़रूर देना. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. बेल बटन पे क्लिक ज़रूर करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय बाय.